नमस्कार सभी को। देखो, आज की जो क्लास होगी इसमें हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक छोटा सा पार्ट पढ़ रहे होंगे। तो लगभग सभी को जानकारी होगी कि नंबर सिस्टम जो है बेसिक मैथ में भी यूज होता है, और इसमें जो पी एंड सी का पार्ट आएगा क्रमचय संचय, उसमें भी ये काम आ रहा होगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। तो मैं यहाँ नंबर सिस्टम का जो पार्ट है उसमें बेसिक मैथ में जब हम देखेंगे तो वो अलग चीज है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये पार्ट है, पी एंड सी का जो पार्ट यूज होता है मैं उससे रिलेटेड जो पार्ट है वो करवा रहा हूँ। आप लोगों ने जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन देखे होंगे बेसिक मैथ में भी, कि आप लोगों को ये दे दिया जाता है 0, 1, 2, 3 और 4, इससे दो अंकों की कितनी सम संख्याएं बन सकती है, चार अंकों की कितनी सम संख्याएं बन सकती हैं, या टोटल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 2 से विभाजित, 4 से विभाजित, 3 से विभाजित, 5 से विभाजित, इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। इसमें इसी प्रकार के सेम उस प्रकार इसी में पूछे जाएगा। तो ये कॉमन पार्ट है, कोई अगर इसको बेसिक मैथ में देख रहा है तो वहीं भी ये काम आए, वहाँ भी ये काम आ रहा होगा और यहाँ भी ये चीज़ें काम आ रही होंगी। तो मैं इस चीज़ को करवा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इसका बहुत अच्छे से चला जाएगा, क्योंकि पी एंड सी में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेस पे नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, मैं इस चीज़ को स्टार्ट करता हूँ। और ऐसा नहीं कि इसमें पहले से कोई अलग से थ्योरी होगी, उसी पे बेस क्वेश्चन चलते चले जाएंगे, क्वेश्चन के अंदर ही मॉडिफाई होती चली जाएंगी चीज़ें, कैसे 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 इन चीज़ों में हमें आगे बढ़ना है। देखो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, देखो नंबर सिस्टम में देखें या पी एंड सी में देखें तो इसको नंबर प्रॉब्लम के रूप में यूज करते हैं हम लोग, कि नंबर प्रॉब्लम जो है उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन है। तो नाम से कोई दिक्कत नहीं है, नाम कहीं कुछ दे दिया जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हमें देखना है, हमारा क्वेश्चन होना चाहिए बस। देखो मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हमें इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी, 1, 2, 3, 4, 5 और मान लेते हैं 6 की सहायता से, की सहायता से चार अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी संख्याएं, ये बनना है क्वेश्चन। अब इसमें देखो एक सिंपल सी चीज हम लोग समझते हैं कि मैथ का जो सबसे छोटा भाग होगा उसको हम अंक बोलते हैं। अंक में कितने होते हैं, 0 से 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और टोटल कितने अंक हो जाएंगे, 10 अंक हो जाएंगे। अंकों से मिलकर संख्याएं बनेंगी, ठीक है। इन अंकों के बीच जो भी ऑपरेशन यूज होते हैं उन ऑपरेशन से संख्या बनती है, नंबर संख्याएं बनती है। तो संख्याओं को हम बहुत पार्ट में डिवाइड करते हैं, किसे सम विषम, भाज्य अभाज्य, मतलब प्राकृत संख्या है, फिर पूर्ण संख्याएं आ जाएंगी, पूर्णांक आ जाएंगे, उस प्रकार से बहुत बड़े पार्ट में इसको परिमेय अपरिमेय उस पार्ट से इस चीज़ को हम डिवाइड करते हैं। उसी का ये एक पार्ट है जिसमें से हमें से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या होगा, डिविजिबिलिटी जो बेसिक मैथ में पार्ट होता है संख्याओं का भाग, मान लो ये पूछ लिया जाता है कि ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है तो ये अंक क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इसी से रिलेटेड पार्ट में आते हैं वो। तो अंक है, अंक से संख्याएं बनेगी, और बेसिक मैथ जो है उसमें केवल यही दो पार्ट यूज होते हैं, अंक और इससे संख्या, और ये संख्या का पूरा पार्ट हम नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। देखो मैं आप लोगों को यहाँ समझा रहा हूँ केवल इससे कितनी संख्याएं बन सकती हैं, चार अंकों की संख्या कितनी बनेगी। तो इसके लिए क्या करो, चार बॉक्स बना लो, 2, 3, 4, चार अंकों की संख्या का मतलब समझते हैं ना। मान लो मैंने ये लिख दिया 2021 लिख लिया, तो ये कितने अंकों की संख्या है, चार अंकों की संख्या है ना। तो चार अंकों की संख्या पूछी है, मतलब ये मान लो 205 है तो ये कितने अंक की हो जाएगी, 3 अंकों की। तो इस प्रकार हमसे जितने अंकों की संख्या पूछते हैं उस प्रकार के उतने क्या बना ले हम लोग, बॉक्स बना ले। अब ये देखो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इसके अंदर अगर हमें कोई कंडीशन दे रखी है तो वो कंडीशन हमें फुलफिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले कंडीशन का मतलब, जैसे मैं ये दे देता कि सम संख्या ज्ञात करो, तो सम संख्या के लिए जरूरी क्या है कि लास्ट का जो नंबर होगा ये सम आना चाहिए, ये जो होगा या तो 0 बनना चाहिए या 2 या 4 या 6,
ठीक है। और इस पूरे पार्ट में स्पेशल हमें ध्यान रखना है जीरो का, सबसे ज़्यादा खराब ही जीरो कर रहा होगा इसके अंदर, जीरो पहले आएगा बाद में आएगा, तो वो जीरो के कारण बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे क्यों, क्योंकि जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया 0 2 2 1, तो ये चार अंकों की संख्या नहीं बची, ये इस जीरो का कोई मीनिंग नहीं है, तो कितने अंकों की संख्या बच रही है, 3 अंकों की। तो पहले स्थान पर हमें जीरो लेना है या नहीं लेना है, रिपीटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो जीरो का इसमें स्पेशल ध्यान रखना है हमें कि जीरो कैसे काम लेना है। तो कोई भी कंडीशन जो होगी वो हमें सबसे पहले फुलफिल करनी है। हमें तो यहाँ कोई कंडीशन नहीं दी, सिर्फ ये दे दिया कि चार अंकों की कितनी संख्याएं बन रही होंगी, चार अंकों की कितनी संख्याएं, तो कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं है चार अंकों के अलावा, मतलब संख्या जो होगी वो चार अंकों की होनी चाहिए। उसमें सम है विषम है वो सारी चीज़ें हम आगे देखते जाएंगे, 3 से विभाजित है या नहीं, 5 से विभाजित है नहीं, धीरे 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 हम स्टेप में बढ़ते जाएंगे। पहला ही क्वेश्चन है तो हम लोग बेस से इस चीज़ को चल रहे हैं, तो कोई कंडीशन इसमें एक्स्ट्रा अप्लाई नहीं होगी। इसमें एक चीज़ और आएगी, पुनरावृत्ति होती है या नहीं, रिपीटेशन अलाउ, रिपीटेशन का मतलब जैसे ये नंबर मैंने लिख लिया 2 2 4 और 2, तो इसमें 2 रिपीट हो रहा है ना बार बार, इसका मतलब एक नंबर जो आ गया ना पहले, जो डिजिट पहले हमने यूज कर लिया, अगर उसको हम वापस यूज कर पा रहे हैं तो रिपीटेशन अलाउ है, और नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं होगा। अब मान लो मैं आपसे डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लूँ कि इसमें से कितनी संख्याएं बन रही होंगी, तो चार अंकों की एक संख्या है और इनसे बन रही होगी, तो ये संख्या चार अंकों की है और इनसे बन भी रही है। तो अगर मैं आपसे कुल पूछ लूँ, इसका मतलब जो रिपीटेशन वाली संख्या हो वो हमारी इसमें काउंटिंग है, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें रिपीटेशन हमारा क्या है, अलाउड है। बेसिक जो मैथ होगी ना उसमें 10th तक का जो कोई भी जैसे JEE वगैरह की बात करूँगा तो उस क्वेश्चन में, या सेंट्रल लेवल के जो हम बात कर रहा हूँ मैं, उसमें इस प्रकार की चीज़ हमें दी हुई नहीं मिलेगी कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है। लेकिन जो बेसिक में जो पूछा जाएगा 10th तक की जिस भी एग्जाम में मैथ आती है उसमें लगभग में ये चीज़ आप लोगों को लिखी हुई मिलेगी, रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो वो टेंशन लेने में। लेकिन यहाँ अगर नहीं लिखा है तो हमें ये समझना है कि अगर रिपीटेशन हो रहा है तो चार अंकों की संख्या भी बन रही है और इनकी सहायता से भी बन रही है, तो उसमें कुल अगर पूछ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली इसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन मैं 1-2 क्वेश्चन में स्टार्ट में आप लोगों को लेके चलूंगा कि पुनरावृत्ति है या नहीं है। तो अगर पुनरावृत्ति है, रिपीटेशन है, तो रिपीटेशन के लिए मैं लिख लेता हूँ, अगर रिपीटेशन अलाउड है तब क्या बनेगी, तो पहले हम उसके लिए सोल्व कर लेंगे। अब एक चीज़ देखो यहाँ, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 डिजिट हम यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं इनमें से कोई भी 6 में से, यहाँ मेरे पास देखो संख्या बनानी है तो मैं कोई भी एक नंबर लिख लूँ, तो यहाँ लिखनी हमें चॉइस कितनी होगी, मतलब मेरे पास चॉइस कितनी होगी, मैं किन किन नंबर को यहाँ यूज कर सकता हूँ वो मैं यहाँ लिखूँगा। तो यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 में से किसी को भी पहले स्थान पर लिख दूंगा तो 4 अंकों की बनेगी ना वो। तो मैं यहाँ ये जो मैंने 6 लिखा है वो ये 6 नहीं लिखा है मैंने ये 6 लिखा है कि मैं यहाँ 1 भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ 2 भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ 3 भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ 4 भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ 5 भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ 6 भी लिख सकता हूँ। तो कितनी चॉइस है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 चॉइस है। तो ये जो 6 मैंने लिखा है वो किसके लिए लिखा है कि मेरे पास संभावना कितनी है, मेरे पास चॉइस कितनी है, उन चीज़ों को मैंने यहाँ लिख दिया है। अब आगे देखो, अगर रिपीटेशन है मतलब कोई नंबर यहाँ आ गया तो वो वापस भी आ सकता है। तो मान लो सपोज करो मैंने यहाँ 2 लिख दिया था, अब 2 के अलावा सारे नंबर तो यहाँ आ ही सकते हैं। अगर रिपीटेशन है तो क्या ये 2 दोबारा आ सकता है वापस, वहाँ जैसे आ रहा है आ सकता है। इसका मतलब ये जो 6 के 6 यहाँ आए हैं, 1 2 3 4 5 6, वो वापस भी आ सकते हैं, तो वापस भी यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। फिर तीसरे पोजिशन पर यही सेम काम, तो यहाँ भी 6 आ जाएंगे और यहाँ भी 6 आ जाएंगे, सेम चीज़ चल रही होगी। इन सबको कर लो गुणा, तो ये कितना बन जाएगा, 6 की पावर 4। ये हो जाएगा हमारा इस पहले क्वेश्चन का आंसर कि अगर 1 से 6 तक की संख्याएं यूज कर रहे हैं और 4 अंकों की संख्याएं हम बना रहे होंगे और रिपीटेशन अगर हमारा अलाउड है तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। मैं चीज़ को वापस रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा, जितने अंकों की हमें संख्याएं बनानी है उतने बुक्स बना लो पहले, ठीक है। उसमें यहाँ जो मैं ये 6 लिख रहा हूँ इसमें आप लोगों को लिखना है कि इसमें चॉइस कितनी है। तो पहले इसमें कितने कौन कौन से भर सकता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 ये भर सकता हूँ। तो मैंने ये जो 6 लिखा है वो इस 6 को नहीं लिखा, मैंने ये लिखा है कि इसमें से कितनी मेरे पास चॉइस है वो मैंने लिख दी। यहाँ अगर रिपीटेशन अलाउड है तो 6 6 6 वापस रिपीट हो सकता है, तो ऐसी संख्या बन सकती है ना, 2
दो, दो और दो, ये चार अंकों की संख्या है और इसकी सहायता से बन सकती है। ये हो जाएगा 6 की पावर 4। अब हमें ये देखना है, मैं मिटा देता हूँ इस चीज को। चलिए अब दूसरे तरीके से इसको देखते हैं। अब दूसरा पार्ट हम देखेंगे जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन अलाउड होने का मतलब, नहीं होने का मतलब, मान लो ये संख्या है 2, 4, 5 और 6, इसमें से कोई भी नंबर वापस रिपीट नहीं हो रहा। ये चार अंकों की संख्या है लेकिन इसमें कोई भी नंबर जो हो रहा है वो वापस रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमें रिपीट नहीं करना है। अगर रिपीट हो रही है तो 6 की पावर 4 हम लोगों ने निकाल लिया। अगर रिपीट नहीं हो रहा है उस कंडीशन में कितनी संख्याएं बन रही होंगी, तो देखो पहले स्थान पर देखो, पहले सबसे पहले एक्स्ट्रा कोई कंडीशन नहीं है इसमें हमारे पास। पहले स्थान पर देखो कि कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है और छह भी आ सकता है। तो पहले स्थान पर कितनी संख्याएं पॉसिबल है हमारे लिए, कितनी संभावनाएं हैं हमारे पास यहाँ? तो यहाँ पर 6 संभावनाएं हैं। मैंने सपोज किया, मैंने ऐसे ही कि मैंने पहले स्थान पर 2 को लिख दिया भाई, 6 संभावनाएं हैं, इनमें से 6 में से मैंने ये सपोज किया है कि मैं 2 लिख रहा हूँ। आगे अब ये देखो कि अगर मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ तो जो मैंने 2 पहले स्थान पर लिख दिया, क्या उस अंक को मैं वापस रिपीट कर सकता हूँ? रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इसका मतलब जो मैंने पहले स्थान पर 2 लिख दिया, इस 2 को यहाँ से हटा दो। हटा देंगे। अब देखो दूसरे स्थान पर हमारे पास कितनी चॉइस बच रही है, 1, 2, 3, 4, 5। तो कितनी चॉइस बची है मेरे पास? 5, क्योंकि पहले स्थान पर जो 2 आ गया था अब वो 2 वापस नहीं आएगा। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब मैं वापस सपोज कर लूँ कि मैंने यहाँ 2 लिख लिया था, अब मैंने 3 लिख लिया जैसे मान लो, तो 3 भी हटा दें क्योंकि 2 नंबर हमने यूज कर लिए, अब उनका रिपीटेशन नहीं करना है हमें आगे। तो अब कितनी चॉइस बची है मेरे पास? 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ बचेगी मेरे पास 4 चॉइस। 4 चॉइस बची है तो इसमें से कोई भी एक नंबर मैंने सपोज कर लिया कि मैंने यहाँ 5 लिख लिया है, मैं वही नंबर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब मैंने 2, 3 और 5 लिख दिया तो मैंने यहाँ से हटा दिया। हटाया क्यों? क्योंकि मैं एक ही बार यूज कर सकता हूँ, उन चीज़ों को रिपीट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने हटाया है। अब कितना बचा है? 4, 1, 4 और 6। तो कितनी चॉइस है मेरे पास? 3 है। अब वापस वही काम, इन सबको गुणा कर लेना है। तो ये कितना आ जाएगा? 4, 6 × 5, 4 × 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30। 30 को 4 से गुणा करेंगे, 30 को 120 और 120 को 3 से गुणा करेंगे तो 360 आ रही होगा। ठीक है, अब मैंने ये लिखा है ना 2, 3। अब हमें इन चीज़ों को नहीं लिखना, मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फिक्स नहीं होता। मैंने 6 चॉइस यूज किए हैं तो इन 6 में से कोई भी नंबर यहाँ यूज हो सकता है, हम फिक्स नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को कभी भी। तो ये बात अब स्पेशल ध्यान रखनी है, इन 6 में से कौन सा नंबर पहले स्थान पर आ रहा होगा ये चीज़ हमें नहीं पता होगी जब हम टोटल ज्ञात कर रहे होंगे। हमें सिर्फ इतना पता होगा कि इन 6 में से कोई एक नंबर यहाँ आ रहा होगा। अब आ कौन सा रहा होगा उस चीज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी। तो कुल कितनी संख्याएं बन सकती है जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है? तो एक चीज़ आप यहाँ भी कर सकते हो, भाई पहले स्थान पर हमारे पास कितनी चॉइस है? 6 चॉइस है। अब ये कन्फर्म है ना, 6 से कम होगी, जो पहले स्थान पर आ गया वो नहीं आएगा। तो 6 में से एक कम हो जाएगा 5, 5 में से एक कम हो जाएगा 4, 4 में से एक कम हो जाएगा 3। अगर आगे ये 4 अंकों की है, 5 अंकों की पूछ लेगा तो हम 5 बुक्स बना लेंगे, ऐसे इसमें कंटिन्यू चलते चले जाएंगे और इनको बाद में गुणा कर देंगे। एक चीज़ और भी आती है, अब इसमें ये चीज़ होती है कि कब गुणा किया जाता है और कब नहीं किया जाता है, या कुछ कुछ और चीज़ की जाती है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। इसमें क्या होगा, मान लो एक से ज़्यादा बार ये चीज़ें, हम मान लो एक बार ये आ गया सिंपल दे रखी होगी, तब कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास दिक्कत नहीं होगी 2 बार अलग अलग करने से। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे उनमें हमें देखना पड़ेगा आगे जाके कि वो एक बार में पूरा का पूरा सोल्व नहीं हो रहा होगा, तब उसके लिए हमें प्लस भी यूज करना पड़ता है और गुणा भी यूज करना पड़ता है। तो इस पूरे मैटर के अंदर हमारे पास 2 ऑपरेशन यूज होते हैं, एक तो प्लस का, एक गुणा का। एक बार स्टार्ट का जो बेसिक पार्ट है उसमें हर में हमें गुणा करना है, तो मैं एक बार प्लस वाला नहीं समझा रहा हूँ, बीच में आके आप लोगों को प्लस, कब प्लस यूज करना है, कब गुणा यूज करना है, वो दोनों चीजें आपको क्लियर करवा दूंगा। एक बार केवल इसी पे चलते हैं आगे। देखो सेम क्वेश्चन रहेगा, मैंने आप लोगों को अभी बता दिया था कि इसमें 0 का स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, और पहला जो मैंने चॉइस यूज की है उसमें, इसमें 0 नहीं है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूज किया है मैंने,
जीरो मैंने इसीलिए काम नहीं लिया क्योंकि सबसे पहले ही अगर मैं जीरो ले लेता तो हमें कंडीशन यूज़ करनी पड़ती। पहला क्वेश्चन बेसिक तौर पर हमने समझा कि कैसे इन चीज़ों को हमें सोल्व करना है। अब मैं इसमें जीरो शामिल कर लेता हूँ, जीरो एक दो तीन चार और पाँच, ये अंक हैं। जीरो एक दो तीन चार पाँच, इनकी सहायता से हमें चार अंकों की संख्या बनानी है और एक्स्ट्रा कोई कंडीशन नहीं दे रखी, सिर्फ चार अंकों की संख्या पूछी है। मतलब चार अंकों में अगर सम संख्या पूछ ले, चार में हमें विषम संख्या पूछ ले, तो वो एक्स्ट्रा कंडीशन इसमें इंक्लूड होती चली जाएगी। जैसे तीन से विभाजित पूछ ले, पाँच से विभाजित पूछ ले, या कोई पेयर के बारे में कुछ चीज़ें और देके हमें पूछ ले, तो इन चीज़ों को हमें एक्स्ट्रा कंडीशन के रूप में यूज करना होगा। तो यहाँ क्वेश्चन हमारा जो सेकंड पहला क्वेश्चन था वो बेसिक है, उसको समझना है और उसके बाद हम आगे आ रहे हैं। अब ये देखो कि जीरो से लेके पाँच तक कितने अंक हो गए, ये एक दो तीन चार पाँच और छः हो गए। इन छः की सहायता से हमें चार अंकों की संख्याएं बनानी है और कितनी संख्याएं बनेंगी। लास्ट जो क्वेश्चन मैंने यूज किया है उसमें भी छः ही अंक थे। तो पहला काम हमारा क्या है, बुक्स बना लो, जितने अंकों की संख्या चाहिए उतने बुक्स बना लो। बना दिया, चार अंकों की संख्या चाहिए, चार मैंने बुक्स बना लिए। पहले मैं कर लूँगा जब रिपीटेशन अलाउड होगा और बाद में मैं कर लूँगा जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार मैं दे रहा हूँ ये चीज़ें कि हम इसमें रिपीटेशन अलाउड है, इसमें नहीं है। धीरे 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 जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझते चले जाएंगे कि कौन से में रिपीटेशन अलाउड है और कौन से में अलाउड नहीं है। अब देखो आगे, इसमें देखो पहली पोजिशन पर क्या मैं जीरो यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। मान लो मैंने जीरो यहाँ अप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा जीरो एक दो तीन, ये एक कोई एक संख्या है। क्या ये संख्या चार अंकों की है, नहीं है। इसलिए पहली पोजीशन पर हम जीरो को नहीं रख सकते, पहली पोजीशन पर हमारे पास जीरो की चॉइस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर पहले स्थान पर जीरो आता है तो वो चार अंकों की संख्या नहीं रहेगी फिर हमारी। तो यहाँ क्या क्या आ सकता है, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है और पाँच आ सकता है। अब कितनी संभावनाएं हमारे पास यहाँ है वो लिखनी है हमें, इन एक दो तीन चार से हमें मतलब नहीं रहेगा। तो क्या क्या आ सकता है, एक दो तीन चार पाँच, कितनी संख्याएं आ सकती हैं, पांच संख्याएं आ सकती हैं। अब इसको हटा दो बस, अंदर से अंदर क्या आएगा उस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता होता है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, पाँच ये पाँच आ सकते हैं, जीरो को छोड़ दो। अब देखो दूसरी पोजीशन, अगर रिपीटेशन है इसका मतलब यहाँ जो संख्या आई है वो आगे आ सकती है, उस चीज़ को हमें हटाना नहीं है। आगे क्या होगा, आगे क्या जीरो आ सकता है। मान लो ये संख्या है 2021, दूसरे स्थान पर जीरो आ रहा है, क्या ये चार अंकों की है, है। इसका मतलब पहले स्थान के बाद अगर जीरो आ रहा है तो वो काउंट हो जाएगा, उतने अंकों की संख्या रह जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब जीरो भी शामिल हो जाएगा, तो जीरो आ जाएगा, एक आ जाएगा, दो आ जाएगा, तीन आ जाएगा, चार आ जाएगा, पाँच आ जाएगा। कितनी संभावनाएं हैं, टोटल छह संभावनाएं हमारे पास यहाँ बन जाएगी। यहाँ जीरो भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है और पाँच भी आ सकता है। कुल कितनी संभावनाएं हमारे पास बन गई, यहाँ छह बन गई। तो पाँच यहाँ जो पहले से थे वो तो आ ही सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, लेकिन जीरो और शामिल हो जाएगा इसके अंदर। अब देखो आगे, इसमें सारी चॉइस हमने काउंट कर ली क्योंकि पहले में हमने जीरो छोड़ा था, यहाँ जीरो को ऐड कर लिया। आगे नेक्स्ट पोजीशन पर, क्योंकि रिपीटेशन हो सकता है और एक्स्ट्रा कोई कंडीशन है नहीं, तो यहाँ छः के छः आ सकते हैं और यहाँ भी छः के छः आ सकते हैं। इन सबको गुणा कर दो बस, कर लेंगे, ये बन जाएगा 36 और 36 को तीन से गुणा करना है, 30 और इंटू 36, ये 36 बन गया, ये 30 बन गया, 36 दिया 108 और ये हो जाएगा 1080। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि नॉर्मल बेसिक में हम संख्या बनाते कैसे हैं। दूसरे क्वेश्चन में मैंने आप लोगों के साथ जीरो ऐड कर लिया, मतलब एक चीज़ एक्स्ट्रा हमने ऐड की है इस क्वेश्चन में कि जीरो अगर हम अप्लाई कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो पहले स्थान पर क्या नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। और इस ये जीरो इस पूरे नंबर सिस्टम में सबसे ज़्यादा खराब जीरो ही करेगा, हमें जीरो को ही देखना पड़ेगा कहाँ जीरो जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। ज़्यादा और कोई नंबर ऐसा इतना परेशान हमें नहीं कर रहा होगा। ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, रिपीटेशन अलाउड किया है। अब सेम क्वेश्चन को कर रहे होंगे जब रिपीटेशन हमारे पास अलाउड नहीं होगा, मतलब पहले स्थान पर जो संख्या आ गई वो दूसरे स्थान पर भी नहीं आनी चाहिए। देखो मिटा देता हूँ और अब लिख देते हैं जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है।
रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले स्थान पर देखो, तो सबसे पहले स्थान पर एक चीज़ तो ये है कि जीरो नहीं आना चाहिए। तो कितने बचे हमारे पास, 1, 2, 3, 4 और 5, कितनी संभावनाएं हैं, 5। क्या हमें किसी नंबर को छोड़ना है? भाई हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, अभी तक तो रिपीट नहीं हो रहा ना, तो पहले स्थान पर जीरो नहीं आना चाहिए। तो कितनी चॉइस है हमारे पास, 5 है। अब दूसरे स्थान पर अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो जो यहाँ आ गया वो नंबर आगे नहीं आएगा। तो यहाँ हमने 5 चॉइस थी, उसमें से कोई भी एक नंबर यूज कर लिया, जैसे मैं मान लेता हूँ 2 मैंने यूज कर लिया, तो 2 को जब हटा देता हूँ तो 1, 3, 4, 5, 4 तो ये बच गए, 1 जीरो बच गया। अब सोचो क्या जीरो मैं यहाँ काम ले सकता हूँ? मैंने अभी अभी समझाया था कि पहले स्थान पर नहीं आना चाहिए, उसके अलावा जीरो हम काम ले सकते हैं। तो एक नंबर वो हट गया यहाँ से जो हमने पहले काम ले लिया, लेकिन जीरो अब शामिल हो गया ना, तो 1, 2, 3, 4, 5 चॉइस हमारे पास वापस आ गई है। ठीक है, अब इस 2 को मत काटो, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता है कि कौन सा नंबर हमने यूज किया है। तो मैंने एक यूज कर लिया, मुझे नहीं पता कौन सा यूज किया, तो यहाँ से जो एक कम होगा उसकी जगह जीरो वापस जुड़ जाएगा। तो अब कितने हटेंगे, 2 नंबर हम लोगों ने काम ले लिए, तो ये टोटल 6 है, 6 में से 2 हटा दो, कितने बचेंगे, 4। फिर एक और हट जाएगा तो कितना बचेगा, 3। अब इन सबको गुणा कर लो बस, तो ये कितना आ जाएगा, 25, 4 100, और 100 को 3 से गुणा करेंगे तो 300 बनेंगे। तो अगर रिपीट नहीं करना है हमें कोई भी नंबर, तब तो कितनी संख्याएं बन रही होंगी इनकी सहायता से 4 अंकों की, 300। और अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो कितनी बनी थी हमारी, 1080। ठीक है, और रिपीट का मतलब हम समझ ही गए हैं कैसे क्या करना है। तो ये जो 2 क्वेश्चन है ये बेस में है कि किस प्रकार हमें नंबर बनाने हैं और किस प्रकार इन चीज़ों पर हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए अब मैं आगे जोड़ता हूँ इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाता हूँ कि हम किस प्रकार के वेरिएशंस इस क्वेश्चन में कर सकते हैं। मैं ये मान लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, 0, 1, 2, और यहाँ मैं ऐड कर लेता हूँ 5, 7 और 8 की सहायता से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 2000 से 8000 के बीच। देखो यही थोड़ा सा चेंज किया इस क्वेश्चन में मैंने, और ये चेंज कर दिया कि 0, 1, 2, 5, 7, 8 की सहायता से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 2000 से 8000 के बीच में होनी चाहिए। अब हमारा जो बेस था उसी को मैंने हटा लिया। बेस क्या था क्वेश्चन में, हमें ये देखें कि इतने अंकों की संख्या चाहिए, वो तो है ही नहीं। बुक्स कितने बनाए पहले वो तो सोचना है ना हमें, चॉइस तो हम बाद में फिल कर रहे होंगे उसमें। तो यहाँ ये नहीं दे रखा कि हमें कितने अंकों की संख्या चाहिए, तो पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि कितनी अंकों की संख्या चाहिए, कितने हम बॉक्स बनाएं उसमें चॉइस फिल करेंगे। तो ये देखो 2000 से 8000 के बीच की संख्या चाहिए, इसका मतलब 2000 से बड़ी होनी चाहिए और 8000 से छोटी होनी चाहिए। कितनी संख्याएं हमारे पास बन सकती है ये हमें सोचना है। तो ये बताओ क्या 2000 से 8000 के बीच की संख्या होगी वो 2000 से बड़ी होगी, मतलब 2001 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, 7999 तक जा रही होगी। यही तो संख्याएं बन रही होंगी। ये हर बार कितने अंकों की संख्या बन रही होंगी, भाई मान लो मैंने 1 अंक की कोई संख्या बना दी, क्या वो 2000 से बड़ी हो सकती है, पॉसिबल नहीं है। मैंने 2 अंकों की संख्या बना दी, 2 अंकों की संख्या क्या होगी, 10 से लेके 99 तक, 10 से 99 तक 2000 से बड़ी कैसे हो जाएगी। इसका मतलब 2000 से बड़ी बनानी है तो मिनिमम हमें कितने अंकों की चाहिएगी, 4 अंकों की चाहिएगी। अब डायरेक्टली उसने नहीं बोला हमें कि 4 अंकों की संख्या ज्ञात करो, इनडायरेक्टली वो हमें दे रहा है कि हमें 4 अंकों की संख्या चाहिए। तो 2000 से बड़ी चाहिए तो 4000 अंकों से तो बड़ी चाहिए, लेकिन कितनी बड़ी चाहिए, 8000 तक चाहिए। क्या 8000 तक की संख्या 5 अंकों की पॉसिबल है, 5 अंकों की तो नहीं होगी, 9999 सबसे बड़ी संख्या होगी 4 अंकों की। भाई 4 अंकों की अगर हमें सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो यही होगी ना 9999, तो हमें तो केवल 8000 तक जाना है। तो 4 अंक, अब इनडायरेक्टली वो ये चीज़ देख के हमें देने की कोशिश कर रहा है कि हमें 4 अंकों की संख्या ही ज्ञात करनी है। तो हम ये चीज़, हमारा जो पहला पॉइंट था बुक्स बनाने वाला, वो क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया कि हमें 4 ही अंकों की संख्या चाहिए है यहाँ भी, तो 4 अंकों के 4 बुक्स बना लेंगे। बना लिया।
एक बार मैं यहाँ कर रहा हूँ, रिपीटेशन जब अलाउड है, मैं ये बता चुका हूँ कि आगे जाके मैं ये चीज़ समझा दूंगा कि कैसे कैसे हम चीज़ों को वेरी कर सकते हैं, कब रिपीटेशन को देखें कब नहीं देखें। लेकिन बेस में, बेसिक मैथ में, मतलब टेंथ तक की मैथ जिस भी एग्जाम में आ रही होगी उसमें लगभग लगभग हमें ये चीज़ दी हुई मिलेगी कि रिपीटेशन कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। देखो, 2000 से बड़ी संख्या चाहिए मुझे, तो पहले स्थान पर जीरो नहीं आएगा, जीरो ऑटोमेटिक कट जाएगा। क्या मैं पहले स्थान पर एक को यूज कर सकता हूँ? अगर मैंने पहले स्थान पर एक यूज कर लिया और आगे मैं अगर सबसे बड़ी संख्या लिख देता हूँ 875, तब भी 800 कितना बनेगा? 1875 बनेगा, ये 2000 से छोटा बनेगा। इसका मतलब अगर मुझे 2000 से बड़ी संख्या बनानी है तो पहले स्थान पर मैं किसको यूज नहीं कर सकता? एक को यूज नहीं कर सकता। तो जीरो तो मैं वैसे ही नहीं कर सकता और एक को मैं फिर यूज नहीं कर सकता। क्या मैं दो यूज कर सकता हूँ? हाँ, दो यूज कर सकते हैं, क्योंकि दो के आगे अगर कोई भी नंबर लिख लेंगे तो ऑटोमेटिक कितने से बड़ा हो जाएगा? 2000 से बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ दो लिख सकता हूँ। क्या मैं यहाँ 5 लिख सकता हूँ? जी हाँ, लिख सकते हैं। क्या मैं यहाँ 7 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। क्या मैं यहाँ 8 लिख सकता हूँ? ये वाला नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि 8 के पहले ही स्थान पर अगर मैंने 8 लिख दिया, इसके आगे अगर मैंने कुछ भी ऐड कर लिया, भाई मैंने ये लिख लो कि 8 के बाद मैंने 1 लिख लिया और उसके बाद तो ये तो 81 हो गया, इसका मतलब 8000 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ हम 8 यूज नहीं करेंगे, ठीक है? देखो, तो 8 हमें यूज नहीं करना है और सबसे छोटी संख्या 8000 ही बनेगी। सबसे पहले अगर मैंने 8 यूज कर लिया, फिर 0 यूज कर लिया, तो वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो 8000 को तो खुद को हमें शामिल नहीं करना है, तो 8 हम यहाँ काम में नहीं लेंगे। तो पहले स्थान पर मेरे पास चॉइस कितनी है ये बता रहा हूँ आप। तो कितनी चॉइस है मेरे पास? मैं यहाँ 2 लिख सकता हूँ, मैं यहाँ 5 लिख सकता हूँ, मैं यहाँ 7 लिख सकता हूँ। तो कितनी चॉइस है मेरे पास पहले स्थान पर? कितनी संभावनाएं हैं? 3 संभावनाएं हैं। तो 3 लिख दिया मैंने। अब दूसरे स्थान पर बताओ, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो मैं 2, 5, 7 को रिपीट कर सकता हूँ? क्या 0 में यहाँ यूज कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। जो मैंने पहले 1 छोड़ा था वो भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि अब तो हमें देखना ही नहीं कि वो 2000 से बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी। जो कंडीशन यहाँ बन रही थी वो मैंने पहले अप्लाई कर ली। इसका मतलब अगर कंडीशन है तो यहाँ आगे सारे नंबर आ सकते हैं। तो 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा और 8 भी आ जाएगा। तो कितनी है टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 के 6 हैं वो वापस आ सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास चॉइस कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएंगे, ठीक है? आगे देखो, अगर रिपीटेशन है तो जो यहाँ आ गए वो यहाँ भी आएंगे और वो यहाँ भी आएंगे, आएंगे। अब हमारा क्या क्या है? इन सबको गुणा कर दो, ठीक है? तो ये हो जाएगा। लेकिन एक चीज और सोचो यहां से, एक हम गलती अब भी कर रहे हैं इस चीज के अंदर। मान लो, सपोज करो आप अपनी मर्जी से, मैं पहले स्थान पर 2 ले सकता हूं ना, तो पहले स्थान पर मेरे पास 2 बन गया। बाद में मैं ये सारे ले सकता हूँ, तो मैंने ये सपोज कर लिया कि मैंने दूसरे स्थान पर भी 0 लिया है, तीसरे स्थान पर भी 0 लिया और चौथे स्थान पर भी 0 लिया है। क्या ये सही है? मुझे तो 2000 से 8000 के बीच चाहिए और इसके अंदर जो 2000 बन रहा है वो हमें लेना है या नहीं लेना है? इस चीज को हमें नहीं लेना है। तो इन सबको गुणा कर लेंगे ना, इतने बड़े नंबर को गुणा करना है इसको, और इन सबको गुणा करने के बाद इसमें एक संख्या ऐसी है जो 2000 भी है। क्या उस 2000 को मुझे शामिल करना है? नहीं करना है। इसलिए इस पूरे में से मैं क्या घटा दूंगा? 1 घटा दूंगा। और वो 1 मैंने क्यों घटाया है? क्योंकि वो एक संख्या कौन सी है? 2000 है। इस पूरे 2000 को मत घटा देना, क्या पता इतनी संख्या ही ना बन रही हो। इस 2000 का मतलब ये खुद तो एक संख्या है ना, इसीलिए हम 1 घटाएंगे, 2000 हटा देंगे। अब किसी के दिमाग में ये चीज़ भी आ रही होगी कि सर ऐसे तो 8000 भी बन सकता है कि हम पहले स्थान पर 8 यूज कर लें और उसके बाद 0 इसमें भी आ सकता है। लेकिन ये चीज़ देखो, क्या यहाँ हमने 8 लिया है? यहाँ हमने जब 8 ही नहीं लिया तो 8000 इसमें नहीं बनेगा। इसलिए हम 2000 तो हटा रहे हैं लेकिन 8000 तो नहीं हटाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जब 0 इनकी सहायता से 2000 से 8000 की संख्याएं बन सकती हैं और रिपीटेशन हमारे पास क्या है? अलाउड है, ठीक है? समझ में आ गई चीज़? इस चीज़ को वापस रिपीट करना आप लोग अपने तरीके। इसमें से क्या है,
भाई कॉन्सेप्ट यूज करना है, बाकी हमें बेसिक तरीके से, नॉर्मल देसी तरीके से जो चीज़ें हम सोचते हैं ना, वही चीज़ें काम आ रही होंगी। अलग से इसमें ऐसा नहीं कि जैसे अवकलन का फॉर्मूला यूज करना है, समाकलन का फॉर्मूला यूज करना है, या फंक्शन हमें यूज करना है, एक्स वाई तो कुछ है ही नहीं, नॉर्मल बेसिक जो मैथ हमारे पास है उस चीज़ को हम इस चीज़ में यूज कर रहे होते हैं। बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो इन्हीं चीज़ों को यूज कर रहे हैं। अब इसी सेम क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ जब हमें हमारे पास रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तब देखता हूँ मैं इस चीज़ों को कैसे करना है। हटा देता हूँ, चलिए मैंने इसको हटा दिया, भी बुक्स नहीं हटा रहा हूँ क्योंकि 2000 से 8000 के बीच चाहिएगी, तो चार ही नंबर अंकों की संख्या चाहिएगी, तो रिपीटेशन मैं नहीं कर रहा हूँ। और क्या पहले स्थान पर कुछ बदलेगा? नहीं बदलना, क्योंकि पहले स्थान पर 2, 5 और 7 के अलावा कुछ नहीं आना है, तो यहाँ तक वो सेम चीज़ रहेगी पहले नंबर तक। रिपीटेशन की बात तो तब आएगी ना जब हम एक बार यूज कर रहे होंगे और दूसरे बार के लिए देखेंगे। यहाँ तक तो सेम चीज़ें रहेंगी कि पहले स्थान पर कौन कौन से आ सकते हैं, 0 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा क्योंकि हमें 2000 से बड़ी चाहिए। फिर कौन कौन सा आ रहा होगा, 8000 में 8 को हटा रहा हूँ क्योंकि हमें 8000 से बड़ी संख्या नहीं चाहिए। अब दूसरे स्थान के लिए देखें, दूसरे स्थान के लिए देखें तो क्या सोचना है हमें यहाँ कि पहले स्थान पर जो नंबर आ गया वो दूसरे स्थान पर नहीं आएगा, तो कितने हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 हैं, और इन तीनों में से कोई एक नंबर मेरे पास, मैं यहाँ यूज कर चुका हूँ, 2, 5 और 7 में से कोई एक यहाँ आ चुका है। मैं सपोज कर लूँ कि एक बार 2 आया है तो 5 और 7 तो बच सकते हैं ना, वापस आ सकते हैं, तो एक नंबर जो यहाँ आ गया वो हटेगा, तो टोटल कितने हैं, 6, और 6 में से एक कम कर देंगे तो यहाँ कितने पॉसिबल हैं मेरे पास, 5, ठीक है, 5 को, तो फिर उसके बाद 2 आ जाएंगे तो टोटल 6 है, 6 में से 2 हमने काम ले लिए तो कितने आ जाएंगे, 4, और फिर 3। मतलब रिपीटेशन जब नहीं होगा तो लगातार हमें एक एक कम करते हुए चलना है, ये ध्यान रखना है बस। लेकिन जो मैं चीज़ थोड़ी देर पहले बोल रहा था वही मैं चीज़ वहाँ रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ मेरे पास 3 चॉइस है, मतलब 3 नंबर आ सकते हैं, 2 आ सकता है, 5 आ सकता है और 7 आ सकता है, लेकिन ये हम कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें से 2 आया है या 5 आया या 7 आया। एक बार हम समझने के लिए इस चीज़ को सपोज कर रहे हैं, यहाँ केवल संभावना को लिखना है कि चॉइस हमारे पास कितनी है, संभावना कौन कौन से नंबर की है, वो कौन 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 सा नंबर यहाँ हमारे पास आ सकता है। तो ये 3 आ सकते हैं, ये 3 संभावनाएं लिखी हैं मैंने, और आगे ये आ जाएगा। अब इन सबको गुणा कर लो, सबको गुणा कर लिया। अब गुणा करने के बाद क्या हम ये चीज सोच रहे होंगे, हमें तो 2000 से 8000 के बीच चाहिए, क्या 2000 और 8000 कहीं बन रहा है, तो 8000 तो नहीं बनना क्योंकि हमने 8 पहले से यूज नहीं किया है। क्या हमारे पास यहाँ 2000 बन रहा है वो देखना है, तो देखो क्या 2000 बन रहा है, तो 2000 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि देखो 2000 अगर यहाँ बनेगा तो 2 0 और 0 आना चाहिए, और हम रिपीटेशन नहीं कर रहे हैं, वहाँ 0 3 बार आ रहा है। अगर रिपीटेशन नहीं होगा तो 0 रिपीट नहीं होगा, और 0 रिपीट अगर नहीं होगा तो 2000 नहीं बनेगा। 2 के आगे मान लो मैंने एक बार 0 यूज कर लिया, फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, तो छोटी से छोटी 3 तो है ही नहीं, तो फिर 5 आ जाए, तो ये संख्या बन सकती है, और ये जो बनेगी वो 2000 से बड़ी होगी, 2000 के बराबर नहीं होगी। तो जब हम रिपीटेशन नहीं कर रहे हैं तो 2000 खुद नहीं बनना है, और खुद नहीं बनना है तो जो मैंने पीछे 1 माइनस किया था, जो 1 घटाया था, उस 1 को नहीं घटाएंगे, ठीक है। और ऐसी गलती नहीं करनी है कि वो अगर मैं माइनस 1 नहीं करता तो ऑप्शन जो मिलेंगे ना हमें 1 के डिफरेंस पे मिलेंगे, आपने 1 घटाया है वो भी मिलेगा, 1 नहीं घटाया वो भी मिलेगा, और 1 जोड़ा है वो भी मिलेगा, तो ऑप्शन इसके बहुत क्लोज मिलेंगे। उस चीज़ को हमें अच्छे से करना है, सोचना है। अगर हमने 1 पॉइंट भी मिस आउट कर दिया, मान लो हम लोगों ने क्वेश्चन पूरा सही कर लिया था और वो 1 2000 घटाने वाला हमने नहीं सोचा, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बेसिक छोटी छोटी चीज़ें, हर एक चीज़ इस चीज़ में हमें क्या करनी होगी, सोचनी होगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था बिल्कुल सिंपल पूछा था मैंने, दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया, 0 को ऐड किया था, इसमें मैंने जो बेस हम लेके चल रहे हैं कि बॉक्स कितने बना रहे उसी को हटा दिया, उसको हटाने के बाद मैंने ये चीज़ पूछ ली है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, और चेंज करके आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ। ये दे दिया जैसे, कि 0, 1, 2, 5, 7, 8 की सहायता से 5000 से छोटी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, 5000 से छोटी। अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो क्या पूछा था,
कि 2000 से 8000 के बीच था, अब मैंने दे दिया 5000 से छोटी। अब मैं एक बार करूँगा जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है और दूसरी बार करूँगा जब रिपीटेशन अलाउड है। एक चीज़ सोचो, 5000 से छोटी संख्याएं बनाने के लिए हमें कितने अंकों की संख्या चाहिएगी? एक अंक की संख्या जो होगी वो क्या 5000 से छोटी होती है? एक अंक का मतलब खुद 0 या 1 या 2 ये जो बनेंगे, तो ये तो ऑटोमेटिकली ये दो 5000 से छोटी होंगी। दूसरी चीज़ देखो, दूसरा क्या, दो अंकों की भी 5000 से छोटी, क्योंकि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, वो 5000 से छोटी है तो वो भी जुड़ेंगी इसमें। फिर सोचना है हमें तीन अंकों की, तो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, वो भी होगी। फिर चार अंकों पर आना है तो चार अंकों की जो संख्या होगी वो 5000 के साथ अलग अलग तरीके से वेरी हो जाएगा। तो अगर रिपीटेशन नहीं है तो एक अंक की जो संख्या बनेगी वो भी शामिल करनी है, दो अंकों की जो भी संख्याएं बनेगी वो भी शामिल करनी है, तीन अंकों की जो संख्याएं बनेगी वो भी हमें शामिल करनी है, और अगर चार अंकों की संख्याएं बनेगी उसमें भी हमें देखना है कौन कौन सी शामिल होगी कौन कौन सी नहीं शामिल होगी। तो एक अंकों की तो सारी शामिल होगी, और एक अंकों की यहाँ से कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल कितने हैं, ये 6 ही बन सकते हैं। अब इसमें से हमें ये करना है जो है वो यूज करना है, भाई ऐसे अंक तो टोटल 10 होते हैं और इन्हीं अंकों की सहायता से सारी संख्याएं बनती हैं, तो यहाँ जो जितने 6 हैं उन सब 6 को हम यूज कर सकते हैं। यहाँ देखो, क्या पहले स्थान पर 0 आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पहले स्थान पर जैसे ही 0 आएगा, मान लो मैंने यहाँ लिख लिया 0 और यहाँ लिख दिया 2, तो 0 2 बनेगा जो हमने यहाँ काउंट कर लिया है पहले से ही, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो 0 पहले स्थान पर नहीं आएगा, तो टोटल 6, 0 नहीं आएगा तो कितना आ जाएगा, 5। और रिपीटेशन नहीं है, जो नंबर यहाँ आ गया वो वापस रिपीट नहीं होगा, तो 5 में से एक कम होना चाहिए तो कितने आने चाहिए थे, 4, लेकिन अब 0 जुड़ जाएगा क्योंकि पहले स्थान पर 0 नहीं आ सकता लेकिन दूसरे स्थान पर तो 0 आ सकता है, इसलिए 5 में से एक कम होना चाहिए था 4, लेकिन एक जुड़ जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा यहाँ भी 5। अब इसकी बात करें, टोटल कितना आएगा यहाँ, 5, क्योंकि 0 नहीं आएगा पहले, टोटल 6 है और पहले स्थान पर 0 नहीं आएगा तो पहले स्थान पर कितने आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं। दूसरे स्थान पर एक कम होना चाहिए 4, लेकिन 0 एक बढ़ जाएगा तो 4 में एक जोड़ देंगे तो वापस कितना बन जाएगा ये, 5। यहाँ 5 है तो आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ जो संख्या आ जाएगी वो वापस नहीं आएगी तो एक कम होगी तो 4। इन सबको गुणा करते जाएंगे, इनको गुणा कर लेंगे, इनको गुणा कर लेंगे, ठीक है। ये देखो, यहाँ देखो 0 तो आना नहीं, क्या 1 आ सकता है, आ जाएगा, 2 आ सकता है, क्या 5 यहाँ आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही 5 लिखेंगे और आगे कोई नंबर और लिखेंगे आगे तो वो संख्या 5000 से बड़ी बन जाएगी और वो हमें शामिल नहीं करनी है, तो यहाँ 5 नहीं आएगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था ना कि 8 नहीं लिया था, तो यहाँ वो भी उस तरीके से हमें नहीं लेना है। तो यहाँ केवल कितने नंबर आ सकते हैं, कितने चॉइस है हमारे पास, कितनी संभावनाएं हैं, केवल 2, 1 और 2। आगे देखो, रिपीटेशन नहीं करना है, मतलब इन दोनों में से जो नंबर यहाँ आ गया वो वापस नहीं आएगा, टोटल 6 है, 6 में से एक नहीं आएगा तो कितने आएंगे आगे, 5 आ जाएंगे, ठीक है। रिपीटेशन नहीं है तो एक कम हो जाएगा, फिर आगे भी रिपीटेशन नहीं है तो एक कम हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5, 4, 3, ठीक है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इसको गुणा कर लो, इसको गुणा कर लो और इसको गुणा कर लो अलग अलग, फिर इनको क्या करना है, हमें जोड़ना है। ये 6 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 20, 40 और 120। तो इन सबको जोड़ देना है अलग अलग, इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, सबको गुणा करके हमें जोड़ लेना है। एक चीज़ वहाँ भी देखो, क्या 5000 से छोटी बनानी है, तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 5000 खुद तो आ ही नहीं रहा इसलिए वो नॉर्मल हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो, यही सेम क्वेश्चन अगर रिपीटेशन अलाउड होता हमारे पास, ये रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब, अगर रिपीटेशन अलाउड होता, अगर पुनरावर्ती हम कर पाते तब, तो पहले स्थान पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वही आता 6 के 6। ये मैंने इसके लिए लिखा है, यहाँ देखिए पहले स्थान पर कितना आएगा, 5, क्योंकि रिपीटेशन हो चाहे ना हो पहले स्थान पर 0 नहीं आ सकता इसलिए मैंने लिख दिया। दूसरे स्थान पर 0 आ सकता है तो एक बढ़ेगा, तो 5 या 5 से क्या हो जाएगा, 6, क्या जो पहले स्थान पर आ गया हमारे, चलो मैं इसको रिपीट हटा देता हूँ, इसी में कर लेते हैं क्योंकि नीचे कर रहा हूँ तो इसमें कन्फ्यूजन हो रहा होगा देख के आप लोगों को एक साथ। यहाँ देखो, अगर रिपीटेशन अलाउड है तब,
यहाँ छः के छः आ जाएंगे सारे, यहाँ देखो पाँच आएंगे क्योंकि एक जीरो नहीं आएगा पहले स्थान पर। अब यहाँ क्या जो पहले नंबर आ गया वो वापस आ सकता है? आ सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो पाँच के पाँच तो आएंगे वापस, लेकिन क्या जीरो भी आ सकता है? तो दूसरे स्थान पर भी जीरो आ सकता है, तो इसलिए अब छः हो जाएगा। यहाँ सेम चीज़, पहले स्थान पर पाँच आ सकता है, रिपीटेशन अलाउड है, तो एक जीरो भी ऐड हो जाएगा, दूसरे स्थान पर छः भी आ जाएगा। अब 5000 से छोटी बनानी है तो एक और दो ही आएगा पहले स्थान पर, तो यहाँ तो केवल दो चॉइस रहेगी हमारे पास, आगे सारे आ सकते हैं, तो छः छः और छः बन जाएगा, तो सारे के सारे। अब इसको ये तो छः ही है, गुणा कर लेंगे तो ये 30 हो जाएगा, तो 6 और 30 36 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको गुणा कर लेंगे, इसमें जोड़ लेंगे, इसको भी गुणा कर लेंगे, उसमें जोड़ देंगे, तो सबको अलग अलग गुणा करके अलग अलग सबको जोड़ लेना है हमें, टोटल जो आएगा वो हमारे पास आंसर आ रहा होगा। तो ये जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की है, चलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में बता दूँ, चलिए मैं बता देता हूँ। ये आंसर आ गया ना हमारा। अब देखो एक बार सपोज करो कि मैंने 4 अंकों की संख्या लिख ली, 4 बॉक्स बना लिए, पहले स्थान पर एक जीरो नहीं आएगा। एक बार सपोज करो कि मैं यहां से इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं और यहां आंसर केवल एक में आ जाएगा पूरा का पूरा। देखो सपोज करो कि 1 2 3 4 5 जीरो को छोड़ के ये 5 है जो पहले स्थान पर आ सकते हैं, हम जीरो नहीं ऐड करते हैं। और इसमें मैं पहले स्थान पर जीरो क्यों नहीं ऐड कर रहा हूं? क्योंकि जैसे ही मैं पहले स्थान पर जीरो लिख दूंगा कितने अंकों की संख्या बन जाएगी मेरे पास? 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। क्या मुझे यहाँ 3 अंकों की संख्या चाहिए? हाँ सर चाहिए, क्योंकि ये रही हमने अलग से काउंट की है। तो अगर मैं पहले स्थान पर जीरो ले लेता हूँ तो क्या ये अपने आप शामिल हो जाएंगी? हो जाएंगी, क्योंकि पहले स्थान पर जैसे ही मैंने जीरो लिया ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी इसमें काउंट हो जाएगी। तो क्या मैं पहले स्थान पर अब जीरो शामिल कर लूँ? तो कर लेंगे इसमें से, इसमें इस स्पेशल क्वेश्चन में कर लेंगे, हमें सोचना है ना उस चीज़ को। तो जीरो जैसे ही पहले स्थान पर आएगा वो 3 अंकों की संख्याएं बच जाएंगी, और 3 अंकों की संख्या यहाँ हमें चाहिए। तो 0 1 2 3 4 ये सॉरी 1 2 3 4 5 6 कितनी चॉइस है मेरे पास? टोटल 6 चॉइस है। तो पहले स्थान पर कितने नंबर आ सकते हैं, कितनी संभावनाएं हैं मेरे पास? 6 दिखाई दे रहा है ना, 6। दूसरे स्थान पर देखो, अगर रिपीटेशन है तो दूसरे स्थान पर बाकी तो सारे के सारे आएंगे, क्या जीरो आ सकता है? सपोज करो मैंने पहले स्थान पर जब लिखा था तब भी जीरो लिख दिया, और दूसरे स्थान पर भी मैं जब यूज कर रहा हूँ तब मैं जीरो यूज वापस कर लेता हूँ, तो दोनों स्थान पर अगर जीरो आ जाता है तो कितने नंबर बचेंगे पीछे? कितने अंकों की संख्या बचेगी? 2 अंकों की संख्या बचेगी। क्या 2 अंकों की संख्या मुझे चाहिए? सर चाहिए, इसलिए हम दूसरे स्थान पर भी सारे के सारे नंबर को शामिल कर सकते हैं। रिपीटेशन में अगर 0 0 भी आता है तब भी 2 अंकों की संख्या बचेगी जो हमें काउंट करनी है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? टोटल संभावनाएं जो हैं वो 6 के 6 आ जाएंगे। अब समझ गए होंगे आप लोग, यहाँ भी 6 आ जाएगा और यहाँ भी 6 के 6 पूरे आ जाएंगे रिपीटेशन के अंदर, ठीक है। अब देखो मान लो सपोज करो कि यहाँ भी 0 बन गया, एक मिनट, यहाँ हम एक गलती चीज कर रहे हैं, वो ये कि पहले स्थान पर सारे के सारे नहीं आएंगे। सारे के सारे क्यों नहीं आएंगे? पहले स्थान पर हमारे पास 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 5 नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही 5 हम ऐड कर लेंगे वो 5000 से बड़ी संख्या बन जाएगी। सॉरी यहाँ ध्यान रखना, 6 के 6 नहीं आएंगे। यहाँ केवल क्या क्या आ सकता है इसमें? 0 आ सकता है, क्योंकि 0 आ जाएगा तो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। फिर यहाँ 1 आ सकता है और 2 आ सकता है, 5 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। तो पहले स्थान की जो हमारे पास चॉइस हैं वो केवल और केवल कितनी होंगी? 3 होंगी। सॉरी एक चीज़, इस चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का, मैं भी इस चीज़ को गलत कर गया, क्योंकि यहाँ 5 नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही हम 5 रख देंगे यहाँ तो 5000 से बड़ी संख्या बन जाएगी, और 5 रख लेंगे तो खुद एक 5000 बन जाएगा जो 5000 से छोटी हमें चाहिए, तो 5000 खुद काउंट हमें नहीं करना है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि 0 आ सकता है यहाँ, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है, बाकी सारी चीज़ें जो मैंने की हैं वो सही की हैं। अब इन सबको गुणा कर लेना, आगे जब करेंगे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास मैं यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ। मैंने बेस तैयार करने की कोशिश की है इस इन छोटे छोटे क्वेश्चंस के माध्यम से। नेक्स्ट जो भी टाइम जब भी मिलता है तब हम नेक्स्ट क्लास में हम इसी में वेरिएशन लेके आएंगे। जैसे मैं पूछ लूँगा सम संख्याएं कितनी बन रही होंगी, विषम संख्याएं कितनी बन रही होंगी, 4 से विभाजित कितनी बन रही होंगी, 3 से विभाजित कितनी बन रही होंगी, या मैं इसी में चेंजमेंट कर लूँगा कि 5000 से और
5000 और 10000 के बीच संख्या है, 5000 और 10000, अभी तक मैंने 5000 वो जो क्वेश्चन उठाया था, 5000 और 8000 उठाया है, क्योंकि दोनों के दोनों चार अंकों की बनेगी। लेकिन अगर मैं ऐसा क्वेश्चन उठा लूँ कि 2000 से 10000 के बीच चाहिए, तो चार अंकों की भी हमें शामिल करनी होगी और 10000 के लिए हमें आगे वाली भी शामिल करनी होगी। तो उस प्रकार के क्वेश्चन के लिए भी हम जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे धीरे, स्टेप टू स्टेप। तो आज की क्लास यही मैं फिनिश कर रहा हूँ, ये बेस है। अगर ये आप लोगों को समझ में आ रहा है तभी आगे चीज़ें समझ में आएंगी, वरना नहीं आएंगी। तो इस चीज़ को अच्छे से देखो, और ये सबके लिए यूजफुल है क्लास है, सबके लिए, मतलब चाहे कोई बेसिक मैथ पढ़ना चाह रहा हो, जिसके पास सब्जेक्ट मैथ नहीं है उसके लिए भी ये काम की है, जिसके पास सब्जेक्ट है वो कर्मचय संचय का जो पार्ट है उसमें भी ये चीज़ें काम आती हैं हमारे पास। तो जो भी मैथ से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ रहा है उन सबके लिए ये चीज़ें काम आ रही होंगी। चलिए, थैंक यू।